वेलकम बैक गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम जा रहे हैं इंडियन स्टोर कुछ सामग्री लेने, और बगल में ही टर्किश शॉप भी है, वहाँ से भी सब्जियाँ लेते हैं हम, फ्रेश सब्जी देता है। तो अगर इंडियन स्टोर वाले ने अलाउ किया तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ के इंडियन स्टोर में क्या क्या आइटम है, ऑलमोस्ट सब सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेट्स सी, जाते हैं। एक सेकंड मोहतरमा, पहले ये देख लें कि कहीं कुछ आया ना हो। ओके, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सिस्टम क्या है। नहीं, कुछ नहीं है नया। चलिए, साइकिल का ताला खोला जाए। ये हमारी साइकिल है, ये इनका स्टाइल है। टिश्यू पेपर लेके आती हैं, जो एक सेकंड भी चल नहीं पाता। -1 है, मुंह से धुआं निकल रहा है हमारे। तो चलते हैं, रास्ते में रुक के थोड़ा बहुत रोड भी दिखाएंगे, क्योंकि हम साइकिल चलने वाले हैं तो रेगुलर तो वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पॉज कर करके शूट करेंगे। सो मिलते हैं रास्ते में और स्टोर पे, इंडियन स्टोर पे। गाइस, थोड़ा आगे पहुंच गए हैं, आधे रास्ते पहुंचे होंगे अभी। चलते हैं आधे और फिर आपको दिखाते हैं इंडियन स्टोर। मोहतरमा जी आगे जाती हूँ, बहुत तेज़ साइकिल चलाती हैं वैसे ये। नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ की बहुत खूबसूरत मस्जिद, और हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए मोहतरमा, कोशिश करेंगे कि फ़ोन पकड़ के थोड़ा सा आपको दिखाया जाए और आया जाए। चलो आओ। रुक गए भाईजान, मस्जिद से शायद नमाज़ पढ़ के आ रहे होंगे। साइड का व्यू, ठंड बहुत है। देखते हैं कहाँ तक बना पाते हैं वीडियो, क्योंकि साइकिल चला के वीडियो बनाना एक डेंजरस काम है, और कहीं लोग माइंड ना करें। तो फिलहाल हवा बहुत है इसलिए वीडियो पॉज कर लेते हैं, क्योंकि आई गेस बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहुंच गए इंडियन स्टोर, तो अब अंदर थोड़ा सा बनाएंगे, तो कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। लेकिन जहाँ जहाँ अंकल जी खड़े हैं, बस स्टोर के सामने खड़े हैं। लेट्स डू सम शॉपिंग देन। छोटा पैकेट है, सूजी ले लो। कबाब ले लेते हैं थोड़े से, हर टाइप के नमकीन कबाब उधर फ्रिज में सब अवेलेबल है। चाय इधर, पूजा का सामान भी है, दाल चावल आटे सब, एवरीथिंग। इंडियन स्टोर से शॉपिंग कर ली है, अब थोड़ी सब्जी हम तुर्कियों से लेंगे। ये है शॉप, एंट्री उधर से अच्छी बना, अच्छी मिलती है सब्जियां यहाँ पे ताज़ी। दोस्तों, हमने शॉपिंग अभी सब कर ली है, अपने लिए खाने पीने के लिए भी ले लिया, वापस जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी बड़ी बत्तखें नज़र आई हमें। चलते हैं घर और फिर घर में मिलेंगे आपको, बाय। ओके दोस्तों, हम वापस आ गए घर शॉपिंग करके। ये तुर्की की दुकानों से भिंडियां, भिंडी लेके आ गए थोड़ी सी हम, ताजा जो यहाँ पे मिलती नहीं है एक्चुअली। धनिया बहुत रेयर है। और ये मटन कबाब है, बहुत टेस्टी होता है। लास्ट टाइम मैं चिकन वाले लेके आया था, अभी बारी मैं लैम्ब वाले लेके आया हूँ। लेट्स ट्राई देम। थोड़ा मीट मसाला, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, आई गेस, आई मीन ये देसी घी है। हम दो डब्बे लेके आते हैं,
एक से हम भगवान जी का दिया जलाते हैं और एक कुछ खीरे, और दूसरे डब्बे से हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, हम जूठा नहीं करते। तो भगवान जी वाला ख़त्म हो गया था, तो वो हम ले आए, खाने पीने वाला अभी भी है। चाय पत्ती अंतियाँ ही महंगी थी, तो जो हमें डब्बे के साथ मिल रही थी वो हम ले आए। पता नहीं पहले कभी हमने यूज़ करी नहीं तपल दानेदार, और पता नहीं तपल भाई गुजरात से है कि पाकिस्तान से हैं, दोनों टाइप के आइटम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी पाकिस्तान से है, ये तो आई गेस खनूम पाकिस्तानी देसी घी है, और ये शान मसाला भी पाकिस्तानी, लेकिन शान मसाला इंडिया में मिलता है, हम बहुत यूज़ करते थे नोएडा में। दैट्स इट, पाकिस्तान का ही ब्रांड है। हाँ आई गेस, बस सब्जियाँ आ गई, सारा सामान थोड़ा बहुत आ गया, मैं रख दूँ? हाँ, थोड़ा टोटल बिल बैठा है इसका आई गेस 30 यूरो के आसपास का, क्योंकि ये बहुत महंगा आइटम है और देसी घी, वरना तो इतना खर्चा नहीं आता, मतलब इतना इतनी महंगी ग्रोसरीज कभी आती नहीं है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, आई होप आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।